तो हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मीर शान चौधरी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई आज मैं मौजूद हूँ मुल्तान में, और मुल्तान में मैं अनब भाई के घर पे आया हूँ। और अनब भाई ने लगाया हुआ है पीछे बजरी घर का बहुत ही अच्छा और शानदार सेटअप, और बहुत ही मज़े के बर्ड लगे हुए हैं, और बहुत ही कमाल की ब्रीड करवा रहे हैं, और बहुत ही माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप लगाया हुआ है। तो चलते हैं अनब भाई की तरफ, अनब भाई से मुलाकात करते हैं और फिर आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जी अनब भाई, बताइएगा कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अनब भाई, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के। नहीं नहीं, ये तो आपका बड़ा होता है, आप लोग मेहनत करके आते हैं यहाँ पे आके, वो भी रात के पहर रोजों में निकलना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, मैं आपसे तकरीबन भी मेरे ख्याल से 5-6 दिन पहले से, 7 दिन पहले से टाइम ले रहा हूँ, और अनब भाई काफी बिजी होते हैं जिसकी वजह से अनब भाई के पास टाइम निकालना। रमजान में शेड्यूल इतना बिजी हो जाता ना कि वो रोजा रखो, रोजे के बाद निकाली 4 घंटे, फिर घर वाले कहते हैं आप जाना है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा अनब भाई, शौक करवाए जरा, क्या क्या आपने रखा हुआ, क्या क्या वर्किंग हो रही है माशाल्लाह? बजरी कर 300 रुपए के बर्ड शुरू होता है, उसमें फिर हम म्यूटेशन में चले जाते हैं। अब म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन बेसिकली ये होता है कि आपने एक बर्ड को कॉम्बिनेशन करके ना, कंपोज करके क्या बनाया है, क्या बनाया है? ग्रोमो है, ये आपको नजर आ रहा होगा। ग्रोमो जो है वो एक नॉर्मल ग्रोमो भी होता है, और एक होता है फाइनल ग्रोमर नो होगा। मैं आपको एक बर्ड दिखाता हूँ, ये देखें जी, ये अब एक होगो है। अच्छा, नॉर्मल होगो से ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में ना करते हुए बिना ये डबल साइज में होगा। ये मेरा होम ब्रीड है, अभी इसे मोल्ड फोल्ड नहीं किया बर्ड ने प्रॉपर ना, बिल्कुल क्योंकि बच्चा ही है। बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है यार। आज तक अब आपको लपड़ लपड़ करते हुए सुना था, ठीक है? तो ये चीजें मैं जो है ना फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। अब साइज गेम है ये, लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्मल बर्ड को ब्रीड कर रहे हैं, छोटे मिनिएचर बर्ड को ब्रीड कर रहे हैं, वो नहीं सेल होता। वो फिर गिला ही होता है, हम 10,000 के बर्ड लेते हैं, वो आगे 700 रुपए का सेल हो रहा है, 600 रुपए का सेल हो रहा है। आपको आगे जमाने के साथ चलना पड़ेगा, चलना पड़ता है। क्या वो पुराना बर्ड रख के ना आप कहेंगे यार वो ही मेरा बिकता रहेगा, वो भी मेरा बिकता रहेगा, मैंने 10 का दिया तो आगे 10 का। बिल्कुल ऐसी हम जब वर्किंग करते हैं ना, फिर अब क्या हुआ, अब मैंने नॉर्मल बिल्कुल बर्ड मेरे पास आपको नहीं नजर आएगा, मैंने नॉर्मल साइज का बर्ड भी खत्म कर दिया है, मैंने नॉर्मल जो है वो बर्ड आपस में कॉम्बिनेशन भी बदल कर दी। नॉर्मल से मतलब हल्के कलर का बर्ड भी है कि मैंने ईसीबी के साथ कॉम्बिनेशन कर दिया। ईसीबी होता है एज ए क्लियर बॉडी, बिल्कुल। तो क्या है कि चले आपका मिनिमम एक बर्ड बिकेगा ना तो अच्छा बिकेगा, एक फैंसियर जो है ना वो और शौक कर सकेगा, शौक कर सकेगा। शौक ये नहीं होता कि आपने 400 के रखे हैं, नहीं, ये ऐसा हुआ है ना, इसको हम कह सकते हैं एक लत है, लत है, आप आगे से आगे चलना ही पड़ेगा। बिल्कुल ऐसी है, नहीं लिटरली ये जितने बड़े साइज में माशाल्लाह लगे, मैं इतना बड़ा साइज मैंने आपको बल्कि यहाँ पर एक बच्चे दिखाता हूँ, ये दिखाएं। ये तो अभी साइज पूछते हैं, आप वो 30 डेज के बच्चे देखेंगे आपको मजा आएगा। अच्छा ये 30 डेज के बच्चे हैं इनकी जो है ना, ये देखें बच्चा। अच्छा माशाल्लाह, ये अभी बिल्कुल मतलब है, ये देखें कवर्ड भी नहीं हुआ है यार, ये देख रहे हैं आप बिल्कुल खाली है, कोई कवरिंग नहीं है, कुछ नहीं है, और आप बच्चे का साइज देखें। नहीं माशाल्लाह, बहुत बड़ा साइज है ये बच्चा, देखें आप माशाल्लाह जबरदस्त। अच्छा ये कौन सा कलर के लाएगा? ये नॉर्मल ग्रीन बर्ड है। अच्छा मतलब बहुत खूबसूरत हेड साइज इसका, बहुत अच्छा बच्चा है ये मेरे ख्याल में, ये देख रहे हैं आप ही नेचर पे, बिल्कुल अभी तो कुछ भी नहीं है, कोई एज ही नहीं है इसकी ना, ये एक नॉर्मल मिनिएचर बर्ड होता है। अच्छा अब आप इसके साथ इसको कंपेयर कर लें, ये दोनों एक एज के बर्ड होंगे, या शायद ये बड़ा ही होगा इससे ना एज में। अच्छा जबरदस्त यार, ये तो माशाल्लाह बहुत बड़े साइज़ में। कवरिंग देखे ना, ये पूरा कवर हो चुका है, बिल्कुल ये बच्चा अभी बिल्कुल वो कवर्ड भी नहीं कितना, वो नीचे वो इसके नीचे भी देखे परों के नीचे भी, तो ये साइज का ये फर्क होता है। जब आप अच्छा साइज ब्रीड कराएंगे ना, ऑटोमेटिकली आपका बर्ड जो है ना, आपका शौक भी बढ़ता है जी। आप भी कहते हो यार तो मैं अच्छा बर्ड ब्रीड कराऊँ तो अच्छे अच्छे पैसे मिले, बिल्कुल अच्छे पैसे तब मिलेंगे जब आप क्वालिटी ब्रीड करें। क्वालिटी ये नहीं होता कि बस हर बर्ड ब्रीड करा लटा मटर मारो, ये मेरा बर्ड है। अब मैं आपको होगो दिखाता हूँ, एक साइज मेरा और, ये अभी मेरी मतलब फर्स्ट जनरेशन होगी, ये होगो मेरी फर्स्ट जनरेशन का बर्ड है। अच्छा ये होगो है, बर्ड देखें स्पॉट देखें इस बर्ड के अभी, सही ना जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह ये जब मोल्ड करेगा ना ये फ्लावर टाइप, अभी तो मेरे 2-1 बर्ड ने एक्सपायर हो गए हैं कुछ दिन, ये रमजान की वजह से ना बिल्कुल थोड़ा कम आना जाना रहा है शेड में। तो ये रेनबो का बर्ड है, ये भी कोई नॉर्मल साइज नहीं होगा बर्ड, बिल्कुल आपको इंशाल्लाह फर्क फील होगा। तो यार हर चीज में ना आपको साइज साइज डज मैटर, तो हमारे साथी हैं तारिक भाई, साइज डज मैटर, साइज मैटर।
नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छे कलर्स हैं और साइजेस माशाल्लाह, मैं तो पहली दफा इस तरह के साइजेस देख रहा हूँ। मैंने तो नॉर्मल, मैंने आज तक जो है ना इसको कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि ये नॉर्मल ऑस्ट्रेलियन बर्ड होता है, ठीक है, साइज की है। अब ये बर्ड तक पहुँचने के लिए ना मुझे तकरीबन 1.5 साल लगा, 1.5 से 2 साल। अब इस बर्ड तक पहुँचे ना, इससे आगे मैंने वो पाइड ब्रीड जो भी मैंने आपको दिखाया ना, वो इसका बेटा है। अच्छा, जबरदस्त माशाल्लाह। मतलब ये जो इसके साथ हैंड लगी हुई है, ये भी बच्चे हैं, छोटे हैं, यहाँ पे मैं आपको साइज नहीं इतना शो करा सकूंगा। ये जो हैन है ना, ये आपको बताएगी इसी की बेटी है, इसी मेल की ना। अच्छा, ये वाली हैन है। जी, ये हैन है, जिसके पैटर्न साइज देखे हैं, लेंथ देखे हैं, ऑलमोस्ट है ना 1.5 इंच की तो हो गए लेंथ। जबरदस्त भाई, इसका फादर ये है इस मेल का। अच्छा, ये वाला फादर है। इसका फादर भी मेरे पास ब्रीड कर रहा है अभी भी। अच्छा, मतलब मैंने जनरेशन जो है ना उसको वो नीचे कॉर्नर में लगा होगा, थोड़ा डोनेशन का। कहाँ पर? ये अच्छा, ये वाला ये अच्छा, वो जो पीछे बैठा हुआ। अच्छा, जबरदस्त। ये मैंने पहला बर्ड जो है ये होगो को एग्जीबिशन के साथ ब्रीड कराया था। अच्छा, बर्ड पहुंचा था, उसके बाद फिर आगे बच्चे निकले। ये हैं मेरे यहाँ, इनकी भी हैचिंग शुरू हुई है माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, बच्चे आ गए हैं, बहुत छोटे छोटे हैं अभी। जबरदस्त यार माशाल्लाह, ना भाई बहुत अच्छी वर्किंग है यार आपकी, और मैं बड़ा इंस्पायर हो रहा हूँ देख के। इसके बाद आ जाती है फिर एक और म्यूटेशन है मेलानिस्टिक में। अच्छा, ये मेलानिस्टिक का मैंने बड़ा नाम सुना है यार। मेलानिस्टिक बेसिकली ना, ये एक बर्ड आया था डॉक्टर ज़िया साहब ने लिया था आज से कोई 4 साल पहले 5 साल पहले, एक किंग बर्ड था। अच्छा, उन्होंने उसको शो किया, उन्होंने उसका साइलम ग्रुप करके उसका एग्जीबिशन बना दिया। अच्छा, उस एग्जीबिशन को मैं आपको लाइन में दिखाता हूँ। उसने क्या किया कि मैंने उसे वो बर्ड ले लिए, दो बर्ड ना, उसको मैंने और भी प्रोड्यूस करवाया, मैं नहीं मिली उसको ना, इसलिए जैसे फेम मिलनी चाहिए ना, वो फेम ना मिल सके। नहीं, हमने भी ब्रीड करा लिया, मैंने होगो में भी उसको ना, कि मैंने एक सादा बर्ड पे होगो खुद बनाया है। अच्छा, पैटर्न देख रहे होंगे ये सारे, टोटल बर्ड मैंने खुद बनाया है, इसमें मैंने कोई बड़े से बर्ड नहीं खरीदा, एक फादर टीम बर्ड से ज्यादा ही बर्ड बने। अच्छा, बस वो ये हुआ कि मैं थोड़ा सा इसमें ये स्लो रह गया कि मैंने ना इसको ऑफलाइन से कन्वर्ट नहीं किया नॉर्मल की तरफ ना। अच्छा अच्छा, नॉर्मल की तरफ चले गए कुछ बर्ड, क्या कहते हैं, जिन्होंने कर लिया तो उन्होंने माशाल्लाह दफा ये 1 लाख से कम का बर्ड नहीं बेचा। अच्छा, ये वाला, ये बर्ड 1 लाख से कम का नहीं है, ये ऑफलाइन वर्किंग में है। ऑफलाइन जो है ना वो सस्ता है, ऑफलाइन और नॉर्मल मार्केट में क्या फर्क है, ये जो मेल है ना जिसकी आप देखें पैटर्न मोटा मोटा था, बिल्कुल ऐसी है, फीमेल का जो पैटर्न है ना वो बहुत बारीक है, इसको हम नॉर्मल मार्केट करते हैं। अच्छा अच्छा, जब ये बर्ड इस बर्ड में कन्वर्ट होगा ना इस पैटर्न में, कम से कम 1 लाख रुपए का बर्ड है इसमें मार्केट का। अच्छा, अब इसमें से राम अलहमदुल्ला 1, 2, 3, 4, 5, 6 पेयर लगे हुए। अच्छा, और दिखाएं यार भाई, शॉप करवाएं। और अच्छा, ये ब्लैक फेस होता है जी, ये ब्लैक फेस होता है जी, जिसका आजकल जो है ना वो बड़ा चर्चा है, काला तोता है जी, काले को भरपूर काला करने के लिए ब्लैक फेस स्प्लिट फीमेल लगाई हुई है। जबरदस्त, ब्लैक विंग की है, मेल जो है वो ब्लैक विंग का पॉसिबल स्प्लिट है। अच्छा, ये साथ वाले कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे ना, ये ब्लू बर्ड जो है, अच्छा, ये ब्लैक फेस का बर्ड है, ये ब्लैक विंग है, और फीमेल जो है वो डबल स्प्लिट है, डबल स्प्लिट, मतलब वो ब्लैक फेस की स्प्लिट है, ब्लैक विंग की भी स्प्लिट है। अच्छा ना भाई, ये वाली कहानी जो है ना मेरे तो ऊपर से जाती है ये स्प्लिट, और ये हमारी ऑडियंस को बताएं कि जो न्यू शुकीन आता है ना उसको नहीं पता होता कि कलर्स क्या होते हैं, इम्यूटेशन क्या होती हैं। आपने दो चीजें बड़ी समझ ली है, एक होता है स्प्लिट, एक होता है पॉसिबल स्प्लिट। पॉसिबल स्प्लिट एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, नहीं करता, क्यों? आपने उसको कौड़ियों के भाव या समझे कि वो एक नॉर्मल बर्ड के भाव है, ठीक है, जो स्प्लिट है ना हम उसकी, अब स्प्लिट बर्ड क्या होता है, स्प्लिट बर्ड का मतलब है उसके पेरेंट्स में एक विजुअल बर्ड होगा। अच्छा, एक विजुअल बर्ड जब तक नहीं होगा वो स्प्लिट नहीं कहलाएगा। अब ये जैसे जो मैंने आपको दिखाया ना ब्लैक फेस वाला बर्ड, स्प्लिट ब्लैक विंग है, इसकी माँ जो है ना वो ब्लैक विंग थी। अच्छा, तब ये स्प्लिट ब्लैक विंग है, सही है। इसी तरह ये जो अब ये पॉसिबल है ना, जैसे मैंने आपको ये बताया, इसके पेरेंट्स में दोनों स्प्लिट थे। अच्छा, अब ये पॉसिबल है, मैं अगर किसी को ये बर्ड को सेल करता हूँ, मैं इसको सारा ब्लैक फेस करके सेल करूंगा। अच्छा, वो उसका लक है उसके ऊपर ब्लैक विंग का स्प्लिट निकलता है या नहीं निकलता है। अब मैंने इसको पहले कम्युनिकेशन में देखकर ब्लैक विंग का लगाया है, ब्लैक फेस स्प्लिट फीमेल है, इसके साथ ब्लैक फेस का मेल मैंने ब्रीड करवा लिया, बच्चे पाल रही है अकेले फीमेल का, ये ब्लैक विंग की है ना, इसके साथ एक ब्लैक फेस का मेल ब्रीड करके चला गया है,
मतलब वो नीचे सोचे ब्रीड करके चला जाने का मतलब ये होता है ये अकेली बच्चे पाल रही है। ये एक ब्लैक फिश का स्प्लिट ब्लैक फिश का मेल है ये, और इसके साथ ये ब्लैक फिश फीमेल लगी हुई है, ये भी टीम बोर्ड लेने के लिए है। अच्छा ये आगे फोर है, मतलब कोई आठ दस पेयर मेरे पास इस तरह ब्लैक फिश ब्लैक फिश के लगे हैं। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह, और हमारी दुआ है कि वो आप प्रोड्यूस करने में कामयाब हो। ये नया कॉम्बिनेशन है, ये मैं आपको ना दिखाता हूँ। जी जी दिखाएं, ये देखें, ये है ईसीबी का वर्ड है, ईसीबी नॉर्मल मार्केट का वर्ड है, इसको मैंने मेलानिस्टिक से लगा दिया। अच्छा ईसीबी जो है ना हमारे, ये मेरे पास क्वेश्चन आता है अक्सर, लोग कहते हैं ईसीबी क्या होता है, ईसीबी को बताइएगा ईसीबी क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, अब ईसीबी की सबसे बड़ी पहचान क्या है? ब्लू बेस बर्ड होंगे ना दोनों जी, जो नॉर्मल बर्ड होगा ना वो देखे नीचे से फुल ब्लू है, फुल ब्लू है। जो ईसीबी होगा ना वो व्हाइट आ जाएगा। अच्छा, वो नीचे से व्हाइट होगा, नीचे से व्हाइट होगा। अगर ये येलो में होगा ना या ग्रीन में होगा, मैं आपको वही बर्ड दिखाता हूँ। अच्छा, इनको छोड़ दें अंदर, ये इसका हो गया। अच्छा, ये ऊपर भी बहुत बड़े बड़े साइज में लगे हुए हैं ये बर्ड। ये है ना भाई, जो है ना यहाँ पे हमें बर्ड, ये वाकई बड़ा मुश्किल काम होता है। बिल्कुल ऐसी है, वो बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ग्रीन में बर्ड जो है ना उसमें क्या होता है, देखें ये येलो बेस चली गई है। बिल्कुल बिल्कुल, नॉर्मल जो ग्रीन बर्ड होगा ना वो नीचे से बिल्कुल ग्रीन होगा, ठीक हो गया। ये येलो हो जाता है, इसी में ये व्हाइट हो जाता है। चीक पैचेस जो है वो एक निशानी है, तो ये होते हैं जी ईसीबी। अब क्या है, आप एक नॉर्मल बर्ड को ब्रीड करवाना चाहते हैं, आप मतलब ईसीबी ब्रीड करवाएं, सही है, उनकी बर्थ ज्यादा होगी, वो आगे की बर्थिंग में बहुत काम आएंगे। काले तोते को और काला करने में बड़ा काम आता है। बिल्कुल ऐसी है, मतलब आप कह रहे हैं कि शौक भी करें और साथ में पैसा भी कमाएं। देखिए आप कमर्शियल है, शौक जो है शौक होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन जब आप इतना बर्ड लगा रहे हो वो शौक नहीं होता, शौक नहीं होता, आप पैसा कमा रहे होते हैं। मुबारक हो, आपके पास बहुत पैसा है, इसका मतलब है इसमें क्या होगा, हमारे पास आएगा ईसीबी भी आ जाएंगे। अच्छा, इसमें हमारे पास मेलानिस्टिक भी आ जाएंगे, सही है। इसमें हमारे पास एक और कॉम्बिनेशन आएगा, ईसीबी मेलानिस्टिक का होगा। अच्छा, ईसीबी मेलानिस्टिक, नीचे से व्हाइट बर्ड होगा, फ्लाइंग फीडर भी व्हाइट होंगे, टेल भी व्हाइट होगी, और खूबसूरत तरीन बर्ड होगा। अच्छा, ये मेलानिस्टिक का मैंने सुना है इनकी प्राइस रेंज बड़ी हाई होती है, ये कोई है? ये आजकल ना वो गुड्डी चढ़ने वाली बात है, गुड्डी चढ़ने वाली, वो आजकल गुड्डी चढ़ेगी, वरना मैंने तो 3,000 का कोटा बेचा है। अच्छा, जबरदस्त। नहीं आजकल लोग मैंने सुना है 5-5 लाख का बर्ड, 10-10 लाख का बर्ड, गुड्डी चढ़ने की बात है ना। अभी वर्किंग में यूज हो रहा है, अब मतलब भाई है लाहौर में, बिल्कुल उन्होंने बनाया है मेलानिस्टिक ब्लैक फेस ब्लैक बर्ड, बिल्कुल पूरा ब्लैक बर्ड, फ्लाइंग फीडर व्हाइट, टेल व्हाइट, ये सब कॉम्बिनेशन बनते हैं ना। अच्छा, वो अच्छा उसका मैंने सुना है कि पूरी दुनिया में एक ही है ऐसा बर्ड। अच्छा, जबरदस्त, फिर वो तो बड़ा कॉस्टली होगा, बड़ा मेरे ख्याल 50 लाख का बर्ड भी होगा वो, शायद दे भी ना। अच्छा, मतलब भाई कभी भी ना बेचे वो बर्ड, नहीं बोल उनका एक वो बन गया है, कहते हैं आपके उनकी एक पहचान बन गई है, बिल्कुल है। डार्क कलर होगा उसकी राम, टेल के ऊपर वाला एरिया और जो बॉडी का कलर होगा वो एक होगा। जब ब्लैक फेस ब्लैक विंग डन फेलो बनेगा, क्या ही बात है, वो भी नहीं बना दुनिया में, सही है, दुनिया में वो बर्ड नहीं है। ब्लैक फेस डार्क फेलो भी होगा, ब्लैक विंग डार्क फेलो भी होगा, इकट्ठा तीनों का कॉम्बिनेशन भी आया, मेलानिस्टिक भी चलेगा। बहुत लंबी गेम है, बहुत लंबी। अब डार्क फेलो होगा पाकिस्तान में एक बनाया अभी। अच्छा, तारिक भाई मुल्तान, तारीख भाई सुबह भी मैंने जाना है अभी, इंशाल्लाह उनके बर्ड भी इंशाल्लाह देखेंगे। पहला बर्ड निकल आया है वो जो दुनिया में जाके। अच्छा, वो क्या होगा, लेकिन इतने अच्छे होंगे पाकिस्तान में तो नहीं है। अच्छा, जबरदस्त, कंप्लीट बर्ड है, बहुत अच्छा बर्ड है, सही है, जबरदस्त।
अच्छा हमें बताइएगा कि ये आपने इस शौक को कैसा पाया और एज अ बिजनेस आपने इसको कैसा पाया, नए जो हमारे शौकीन हैं ठीक है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो अगर इस हॉबी में आना चाहिए उनको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जिनको मद्देनजर रखना चाहिए वो काइंडली बताइएगा। अच्छा क्या होता है आप पैसा फेंक के ना पैसा कमा लेते हो, कमा लेते, लेकिन जब तक आपको बड़ी एज नहीं आएगी ना आप उस तरह नहीं जा सकते। इस तरह अब मैं आपको शायद अपनी ना 2018 की ना मेरे पास शायद लिस्ट भी पड़ी मैं आपको दिखाऊंगा वो बड़ी मजे के लिए। बिल्कुल क्या होता था कितने का तोता बेच रहे हैं कितने का तोता खरीद रहे हैं कितने का खरीद रहे हैं कितने का बेच रहे हैं मतलब एक चेक बना लेंगे बस अपने लाख रुपए के तोते भी हैं आपने लाख के तोते लेके ना ब्रेक लगा ले ब्रेक लगा ले लाख को ब्रीड कराना है पहले ब्रीड करवाना है लाख को जब 2 लाख बना लोगे ना सवा लाख 1.5 लाख भी बना लोगे फिर आगे पैसे नहीं डाले बर्ड से बर्ड में ये क्योंकि मैंने सारा कुछ खरीदा तो गलत होगा। बिल्कुल मैंने शायद 4 दिन के लिए होंगे 6 दिन के लिए होंगे मेरा वो जो पहला तोता है वो अभी एक्सपायर हुआ 4 दिन पहले 5 दिन पहले ना। अच्छा माशाल्लाह 2013 के रिंग पर 10 साल हो रहा है। अच्छा आपको कितना अर्सा हो गया शो कर 2016 में अच्छा ना भाई इस जो आपने सेटअप लगाया हुआ इसको आप मैनेज कैसे करते हैं आपकी क्या रूटीन है ठीक है इनको मैंने सुना लोग कहते हैं कि यार आप 10 मिनट सुबह दें या 10 मिनट शाम को दें। मैं कहता हूँ जो मेरा नजरिया वो ये है कि आप बर्ड को अपने को देखना पड़ता है आपको टाइम देना पड़ता है करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बर्ड की टेल वॉकिंग बर्ड कैसे बैठा है बर्ड क्या कर रहा है अभी है मैंने सुबह छोड़ी है ना मैं 10 दफे इसको देख चुका हूँ ये देखें आप इसकी एक्टिविटी मुझे नजर आ रही है फीमेल मेल को अप्रोच कर रही है। बिल्कुल ऐसे देखें आप फीमेल ने ना एक हवाई अड्डा दे दिया था मेरे पास ना। अच्छा तो ब्रीड कर रही थी पहले भी तो इससे मैंने ना मेलानिस्टिक के साथ ब्रीड करा है मेलानिस्टिक ले लिया है ब्लैक एंड स्प्लिट है ठीक है वो भी रेयर ब्यूटिशन है वो भी नहीं है तो मतलब हम कोशिश यही कर रहे हैं जितना रेयर से रेयर की तरफ जाते हैं ना वो बिल्कुल ऐसी है। तो आपने थोड़ा ऑब्जर्व कर रहा होगा यार क्या हो रहा है बड़ी दफे ऐसा होता है कि आप ऐसी ऐसी खुराकें दे रहे हो तो ऑब्वियसली ये नहीं है कि सिर्फ दाना पानी करते हो तो ये नहीं होता। बिल्कुल बड़ा कुछ आपको ना इतना बड़ा ये देखेंगे आप ये मैंने सॉफ्ट फूड जो डाला हुआ है। बिल्कुल अब तो खैर इसका तिया पांचो होगा बिल्कुल वो आपको नजर आ रहा होगा कुछ भी नहीं है इसमें अभी 2 तरह के एग फूड डलते हैं। अच्छा लोकल लेवल पे एनजे वाले हैं बहुत अच्छा एग फूड बना रहे हैं बहुत अच्छा 1200 रुपए में इतना अच्छा एग फूड नहीं मिल सकता आपको मैं आपको बन तो एग फूड भी दिखाता हूँ। जी बिल्कुल दिखाएं ये देखें जी इसमें मील वर्म्स हैं इसमें जबरदस्त। अच्छा ये 1200 रुपए का ये बॉक्स है पूरा नहीं ये 1 किलो का पैकेट होता है। अच्छा 1 किलो 1200 रुपए का 1200 रुपए का। अच्छा 1 किलो ये हमें बताइएगा 1 किलो 2 किलो लगते हैं अगर आप यही जुटना 2 किलो लगते हैं मेरा मंथली जो है 200 लेकिन उसमें क्या होता है बीटा पाम का भी एक्सपोर्ट यूज करता है। अच्छा बीटा पाम 1 किलो यूज करता मेरे कुछ बर्ड जो है ना उसके आगे कुछ क्या करता हूँ मिक्स करके देता हूँ उसके अलावा मैं जो डालता हूँ ना मेरे पास टाइम कम होता है तो मैं वो सब्जियाँ चॉप करके नहीं डाल सकता हूँ वो बहुत अच्छी चीज़ है वो डालनी चाहिए लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं क्या करता हूँ गंदो उसमें लोबिया चना सोयाबीन और दालें होती हैं 2-3 तरह की वो सारे मिक्सर में भिगो देता हूँ 24 आवर्स तकरीबन देखते हैं उसमें वो सिरका डला होता है फिर वो सुबह कुछ कर देता हूँ मेरे को 1 घंटा उसको कुछ होने के लिए रखे बिल्कुल फिर उसके बाद ये सॉफ्ट फूड डलते हैं उसमें माई वाइटामिन डलते हैं उसके अंदर ये कुछ हर्ब्स वगैरह डलते हैं फिर वो सारे तो सही। अच्छा इनमें ये बताइएगा कि बीमारियां कौन कौन सी आती हैं अब तक आपने क्या क्या चीजें फेस की हैं इनमें। अच्छा इसमें सबसे ज्यादा जो मसला है ना वो नजले का है मुझे जो है ना वो ही लगता है। अच्छा क्या है जब आपका टेम्परेचर जैसे एकदम से गर्मी हो गई है बिल्कुल ऐसी है इसमें ये अचानक से नजला हो जाएगा बिल्कुल ऐसी है एकदम से सर्दी होगी उसमें नजला होगी ये बड़ी छोटी सी जात है उसको कवर करना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसी है हो जाता है कवर लेकिन इसलिए आप कहते हैं कि जो नया फैंसी आ रहा है पहले वो छोटी चीज रख के सीखे। बिल्कुल मैंने तो पहले कि आप लाख रुपए डालने से लाख रुपए का पहले निकालो लाख रुपए फिर आगे चलो अब ईसीबी का वर्ड है ना ये 1 ईसीबी का वर्ड है तो सिंपल है जी ये 1 ईसीबी का वर्ड लिया था। बिल्कुल ठीक है जी अभी भी इसके साथ एक इसका अपना बच्चा अभी भी फिर रहा है ये इसका बेटा है ये इसी फिगर की है। अच्छा जबरदस्त ये इसकी बेटी है। अच्छा ये वाली यहाँ पे फिगर वाइट है ना। अच्छा वाइट ये रही फिगर है नजर नजर नहीं आ रही ये बिल्कुल ऐसी है ये रही अब इसके भी आगे बच्चे हैं। अच्छा जबरदस्त ये इसकी बेटी है उसी मेल की एक मेल की। अच्छा ये माशाल्लाह लेकर बैठी हुई है जबरदस्त इधर जरा
थोड़ा सा हाँ ये जबरदस्त ठीक है जी हो गया। इसके बाद ये इसका बेटा है देख रहा हूँ कि सेलिंग भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है आपकी। नहीं सेलिंग के अलावा पता क्या होता है, आप ब्रीड तो अच्छा कराओ ना, ब्रीड अच्छा कराओ। आपको मेरे पास कोई ऐसा बर्ड नहीं होगा जिसका फ्लावर कम हो। बिल्कुल ऐसी है, नहीं मैं तो नहीं कहता कि रातों रात मैं यहाँ तक पहुँचा, नहीं बिल्कुल टाइम लगता है हर चीज में। अभी नॉर्मल का बर्ड है, कॉम्प्लाइन बर्ड है, जिसको लोग ना बड़ा कम हल्का बर्ड कहते हैं ऑफलाइन में जी, क्योंकि ये किसी वर्किंग में यूज नहीं होता। ठीक हो गया, लेकिन आप इस बर्ड के लिए फ्लावर देखिएगा जबरदस्त, ठीक है ना। आपको इंशाल्लाह थोड़ा हर बर्ड में ना इस तरह के कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। यार बहुत प्यारी चीजें लगाई हुई है ना भाई ने, और मुझे तो यकीन माने बड़ा मजा आ रहा है, मैं बड़ा इंजॉय कर रहा हूँ। और मैंने पहली दफा इतने अच्छे साइज़ में अच्छे बर्ड्स और अच्छे ये होगोरोमोज हो गए और ये सारी चीज़ें जो है, हमने सुना था इसको ऑस्ट्रेलियन बर्ड करते हैं हमारे पाकिस्तान में, लोगों का अलमिया है कि ये जी ऑस्ट्रेलियन तोता है। तो भाईजान दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, बड़ा काम हो चुका है, बड़ी वर्किंग हो रही हैं, म्यूटेशन निकल रही हैं आगे से आगे। और अनब भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इतनी इन्फॉर्मेशन देने का। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से अच्छा बर्ड निकालें और आपका बर्ड जो है वो पाकिस्तान में भी जाना जाए और इंटरनेशनल लेवल में भी, हम कहते हैं कि आपका बर्ड, क्योंकि पाकिस्तान में भी इतनी वर्किंग हो चुकी है कि पाकिस्तान के लोग इंटरनेशनल लेवल तक अप्रोच कर रहे हैं। अब हम बहुत आगे जा रहे हैं, आप बहुत आगे जा रहे हैं, बाहर जाना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। आपको ब्लैक एंड चाहिए, अच्छा पूरे पाकिस्तान बिल्कुल बिल्कुल, तो हर बंदा। और आपने देखा कि अब ये नहीं है कि सिर्फ आपने ब्रीड कराना है, अब बर्ड बिकेगा, बर्ड बिकेगा, आपका नहीं मिल रहा क्लियर पाकिस्तान में कोई मसला नहीं, बर्ड इकट्ठा करो एक्सपोर्ट कर दो, एक्सपोर्ट है हमारे पास, कोई मसला नहीं है। सही है, अच्छा अनब भाई, कोई भाई अगर ये शौक शुरू करना चाहता है या वो आपके पास आना चाहता है, वो कहता है यार हमने बर्ड परचेज करने हैं, उसका क्या क्राइटेरिया है, कोई ब्रीड अवेलेबल है, या इन फ्यूचर कोई बंदा अप्रोच करना चाहे आपको तो अभी कुछ लिमिटेड बर्ड ही होंगे मेरे पास, एक ज़्यादा बर्ड है जब होगा मेरे वो इकट्ठे के सारे बर्ड चले जाते हैं। कुछ लोग हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं, वो कहते हैं बिल्कुल हम जाने हमारा काम जाने, बिल्कुल उससे मुझे ये फायदा होता है कि मुझे 10 लोग जो है ना वो विजिट निकलवाने पड़ते हैं, वो एक ही बंदा है। बिल्कुल है, ये सबसे बड़ी बात है। हालात बड़े बुरे हैं ना, आपको पता नहीं चलता वो सेंचुरी बन के आया, ऊपर आया और अपने घर निकाल दिया, इतने तोते रखे हैं मतलब। और ये हो चुका है पहले, एक मैंने वीडियो देखी थी उसमें मेरे कोई लव बर्ड ले गए थे गन पॉइंट पे ना, चलो तो बजरी करके ये मसला नहीं है, बजरी करके सलामी जाता चले तक हमने बजरी करके नहीं सुना। हां बिल्कुल सही है, चले ठीक है अनब भाई, थैंक यू वेरी मच। अच्छा कांटेक्ट नंबर आप अपना शेयर करना चाहेंगे? 0332 555 6476। ठीक है, किसी को बर्ड चाहिए हो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी उनको अच्छा बर्ड दूं अगर मेरे पास अवेलेबल हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हां जी।